टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस पारुल चौहान, जिन्होंने फाइनली खोल दिया है राज। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। पारुल चौहान, जिन्हें आप देख चुके हैं रागिनी शर्मा के किरदार में सीरियल बिदाई में और सपना बाबुल का बिदाई, और यहाँ पर साथ ही उन्होंने निभाया था किरदार स्वर्णा गोइंका का इन सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, स्वर्णा के किरदार में उन्होंने काफ़ी नाम, शोहरत और पैसा कमाया, और यहाँ पर आज भी अगर इन्हें याद रखा जाता है तो सिर्फ स्वर्णा के किरदार से। बता दें कि जहाँ पर अपनी शादी के बाद से ही पारुल चौहान ने टीवी टाउन की दुनिया से अपना नाता, अपना रिश्ता तोड़ लिया था और किसी भी सीरियल में वो दिखाई नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि सीरियल ये रिश्ता से भी उन्होंने अलविदा कह दिया था। तो वहीं अब खबर है कि पारुल चौहान एक बार फिर से टीवी टाउन की दुनिया पर अपनी वापसी करेगी। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नई स्वर्णा रिप्लेस होगी और पुरानी स्वर्णा वापस आएगी। जी हाँ, खबर है कि पुरानी स्वर्णा की फिर से मेकर्स एंट्री करेंगे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में, और पुरानी स्वर्णा की एंट्री के बाद फिर से सीरियल ये रिश्ता की टीआरपी में कुछ बदलाव ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पुरानी स्वर्णा को उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें समझते भी हैं। जब भी किसी नेगेटिव किरदार की बात आती है तो नाम पारुल चौहान का आता है कि किस तरह से वो हमेशा ही नायरा के खिलाफ रहती है और अपने परिवार का साथ देती है। हो सकता है कि इस बार भी जो स्वर्णा का नेगेटिव किरदार दिखाया जाए उसके लिए सीरियल ये रिश्ता में पारुल चौहान की फिर से वापसी हो। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।